कोई तीर निशान से चूके ना, जम के कदम रख ले। खुद में तू हथियार है, लड़ने को तैयार है, धमके की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है। मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बदला दे, तेरी मर्जी है क्या। कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक का सफर और भी आसान हो जाता है। इसी हौसले की उड़ान को सच कर दिखाया है रांची के पिस्का मोड़ के रहने वाले बागेश त्रिपाठी ने। बाएं हाथ से दिव्यांग बागेश ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। 5 अप्रैल को दुबई के शारजा में दिव्यांग प्रीमियर लीग मैच खेला जाना है। बागेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन अब बागेश के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि आज रांची महानगर की तरफ से उसे आर्थिक सहयोग किया गया है। आज सुप्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि दिव्यांग क्रिकेटर बागेश त्रिपाठी के आर्थिक संकट की सूचना आजसु को मिली थी। जानकारी मिली थी कि पैसे की तंगी के कारण दुबई शारजहां में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में बागेश नहीं खेल पाएगा। बता दें कि बागेश त्रिपाठी रांची के मारवाड़ी कॉलेज का छात्र है। बाएं हाथ से दिव्यांग बागेश के खेल के प्रति जुनून में कोई कमी नहीं आई। झारखंड का नाम रोशन करते हुए बागेश शारजा में 5 अप्रैल से आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग में दिल्ली चैलेंजर्स की टीम का हिस्सा होंगे। बागेश ने कहा कि आजसु के द्वारा किए गए सहयोग से काफी खुशी मिली। जो मदद आजसु ने की है इससे मेरे हौसले को ताकत मिली है। इस त्रिपाठी पिताजी है वाचस्पति त्रिपाठी जी, और बागेश त्रिपाठी एक्चुअल में DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग शारजहां दुबई में जो खेल होना है ऑलराउंडर क्रिकेट का, उसमें रांची से ये भागीदारी लेने जा रहे हैं। अभी सुदेश जी ने, क्योंकि सुदेश जी हमेशा खेल के प्रेमी है और खेल का को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनके निर्देश से ही, उनके कहने से ही कोई भी टैलेंट या हुनर जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो उसका हुनर या उनकी प्रतिभा सर्वोच्च पटल पे जहां उनको पहुंचने का ये है वो रुक ना जाए, इसके लिए जो इनके पास जो अभाव था, इनको जो महसूस हुआ, इन्होंने जो बात रखी कि भाई उस अभाव के कारण आपका हुनर या इस क्रिकेट जगत में आपका जो पहचान बनना चाहिए वो ना रुक पाए, आजसु पार्टी ने उसके लिए सहयोग आज किया है। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सबसे पहले ज्ञान अंकल का, जिन्होंने, मैंने गए उनके पास, उन्होंने बात को समझा और आगे बात रखी मेरी, सबसे बात की और आज ये मुकाम आया है कि उन लोगों की तरफ से मुझे मदद दी गई है। आप भी जानते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है स्पॉन्सरशिप, जो जिसके दम पे कितने स्पोर्ट्समैन हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए, स्पॉन्सरशिप के दम पे आगे नहीं बढ़ पाए, तो मायने रखता है स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स में। बहुत ही खुशनसीब है कि इस सहयोग में हम लोग भी भागीदार बने, और अगर झारखंड में खिलाड़ियों की अगर सम्मान आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी अगर करते हैं, वो तो खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं और वो खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। जैसे दादा को पता है यहाँ की खिलाड़ियों में प्रतिभा है और उस प्रतिभा को हमें चाहे देश में हो या देश के बाहर में हो दिखाने का मौका मिला तो दादा पूरे सपोर्ट करते हैं उनको, तो गर्व होता है कि दादा इतने अच्छे काम करते हैं। दादा के सपोर्ट से इस बच्चे ने अगर कुछ अपनी जीवन में जो इनकी सपना है वो पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगा। ये पूरे झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि दिव्यांग बच्चा जो अपने झारखंड से
जाकर के सहरसा में खेलेगा, हम लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए। और पूरे झारखंड की तरफ से, मेरे तरफ से इनको शुभकामनाएं, और सभी लोग शुभकामनाएं दें ताकि ये मेडल जीत के आए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।